आज का जो टॉपिक है वो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के ऊपर। वेजिटेबल जो है वो एडिबल पोर्शन है, जो भी प्लांट हम खाते हैं उसका मेन कोर्स में यूज करते हैं, सलाद में, सूप्स में, प्रोसेस भी हो सकता है, उसके अलावा बेवरेजेस में भी यूज करते हैं, क्योंकि हम वेजिटेबल जूस एज अ ड्रिंक्स लेते हैं, स्टार्चेस यूज करते हैं, इसके अलावा ड्राई, पिकल और फ्रोजन फॉर्म में भी हम यूज करते हैं। ये इम्पैक्ट करता है हमारे फूड में करेक्टरिस्टिक फ्लेवर, कलर, टेक्सचर और स्टोरेज कंडीशन, कुकिंग के दौरान जो है वो इसमें चेंजेस आती हैं। जो फ्रूट्स हैं वो भी डिफाइन करते हैं डिफरेंट वेज में। बोटैनिकली हम फ्रूट्स को कहते हैं कि जो वो मैच्योर ओवरीज हैं किसी भी प्लांट की विद देयर सीड। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जितने भी ग्रेन्स, लेग्यूम, नट, सीड्स और कॉमन वेजिटेबल फ्रूट जैसे कि ऑलिव्स हैं, पेपर्स हैं, टोमेटोज हैं, उनको एज अ फ्रूट कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम उसका कलिनरी रोल डिफाइन करें तो जो फ्रूट है वो फ्लैशी पार्ट है किसी भी प्लांट का, और ईट हम रा भी ईट करते हैं, और उसके अलावा सर्टेन डिजर्ट की फॉर्मेशन में भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो हाई इन ऑर्गेनिक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटेबल, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, उसमें हमारे पास वाइटमिन, मिनरल, फाइबर, इसके अलावा एडिशनल कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें जिनका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत सी क्रॉनिक डिजीजेस जो है प्रिवेंटिव साइड के लिए यूज होता है, थेरापूटिक पर्पज़ के लिए। जो इसके अलावा जो USDA जो है वो एडवाइस करता है वेरी योर वेजिस एंड फोकस ऑन फ्रूट्स, और हेल्दी डाइट के लिए जो है अगर किसी भी इंडिविजुअल की 2000 डाइट है, कैलोरी डाइट है USDA के अकॉर्डिंग, तो वो उसको एडवाइस और सजेस्ट करता है कि वो जो है वो 2 to 2.5 कप ऑफ वेजिटेबल ले और 2 कप ऑफ फ्रूट्स ले पर डे। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की किसी भी प्लांट मटेरियल की, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल, विटामिन, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसी भी प्लांट मटेरियल का, और लार्जेस्ट परसेंटेज जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है एज ड्राई वेट, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मेशन हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बोहाइड्रेट की ही हो रही होती है, अलॉन्ग विद वाटर एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उनमें मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डाइसेक्राइड में हमारे पास सुक्रोज आता है, और जो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है वो आपस में मिलके जो है वो फॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, जिनमें हमारे पास सेलुलोज एंड स्टार्च आता है। नेक्स्ट इज वेरियस कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि हीट एंड द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन दोज कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च की बात कर रहे हैं अगर हम, तो जो स्टार्च है ये कॉमन फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, प्रेजेंट होती है रूट्स में, ट्यूबर्स में, स्टेम में, सीड में, किसी भी प्लांट के, और जब हम इसे हीट या वाटर में से पास करते हैं तो जो स्टार्च है वो अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर वाटर को और जेलेटिनाइज हो जाती है, जेल फॉर्मेशन करती है। आपने कभी किसी पोटैटो को देखा है कि अगर पोटैटो में सबसे ज़्यादा स्टार्च होती है तो आप उसको वाटर में सोक करते तो आपको ऊपर जो है वो फॉर्मेशन आती है, जैसे कि सर्फ सा मटीरियल अगर आप वाटर में डिजोल्व करें तो उस तरह की अपेयरेंस आती है। इसके अलावा अगर आप सोक करें पल्सिस को या लेग्यूम्स को वाटर में तो वो भी जेल लाइक फॉर्मेशन कॉज करती हैं। स्टार्च कंटेंट में वेरी करती हैं, सम वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज आर स्टार्ची, सम मॉडरेट एंड अदर सच एज पार्सले आर लेस स्टार्ची। स्टार्च इज डाइजेस्टिबल एज द बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज यूनिट अल्फा 1,4। नेक्स्ट इज सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो इनसोल्यूबल फाइबर है जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट की सेल वॉल को। इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है और ये अनडाइजेस्टिबल है टू ह्यूमंस, लेकिन अगर हम कुक करें तो वो सॉफ्ट फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर आप बात करें स्पिनिच की, तो अगर आप स्पिनिच को कुक करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है कंपेयर टू अगर हम उसको रॉ फॉर्म में देखें। नेक्स्ट इज हेमी सेलुलोज। फाइबर प्रोवाइड स्ट्रक्चरिंग सेल वॉल एंड द मेजोरिटी इज इनसोलबल। अगर हम इसको अल्कलाइन इन्वायरमेंट में हीट करते हैं तो ये भी सॉफ्टन अपीयरेंस देता है। अगर हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे एडिड टू कुकिंग वाटर फॉर द पर्पज ऑफ ग्रीन कलर रिटेंशन। नेक्स्ट इज पेक्टिक सब्सटेंसी। पेक्टिक सब्सटेंसी के पेक्टिन होता है, सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर देता है, फॉर्मिटी देता है, जेल फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोलाइज हो जाता है ऑन कुकिंग। लार्ज इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ पेक्टिन बिकम सोल्युबल पेक्टिन व्हाइल विद राइपनिंग ऑफ द प्लांट मटीरियल। इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट देयर इज अ नॉन कार्बोहाइड्रेट फाइबर मटीरियल प्रेजेंट इन द
सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट इट्स लिग्निन, एंड लिग्निन जो है ये ओल्डर वेजिटेबल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है. ये अनचेंज रहता है बाय हीट एंड अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि इसका टेक्स्चर जो है वो वुडी लाइक टेक्स्चर होता है. नेक्स्ट इज प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो फ्रूट्स की कंपोजिशन में लेस देन 1% रोल प्ले करती है. इनको हम लो प्रोटीन आल्सो वेजिटेबल में लो होती है क्योंकि, और ये जो है इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है क्योंकि इनमें एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते जैसे कि मैथियोनिन. प्रोटीन जो है वो एज एन एंजाइम लेग्यूम पीज एंड बीन्स में प्रेजेंट होती है प्रोटीन वेजिटेबल्स में, लेकिन उसको स्टार्ची फॉर्मेशन में. प्रोटीन जो है वो एज एन एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. एग्जाम्पल प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं ब्रेक डाउन के लिए प्रोटीन्स की, और उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं. जैसे कि पेपेन मैंने आपको बताया था पपाया से रिलीज होता है एंजाइम, और ये मीट की टेंडराइजेशन के लिए यूज किया जाता है. फिसिन जो है ये फिग से, फिग होती है अंजीर उससे आता है, और ब्रोमेलिन जो होती है ये हम पाइनएप्पल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इन चीज़ों को हम प्रोटीन की ब्रेक डाउन के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट इज फैट. फैट कंपोजेस अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ ड्राई वेट ऑफ फ्रूट स्टेम एंड लीव ऑफ वेजिटेबल, और ये फ्रूट्स का लेस देन 1% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है एज अ सोर्स. एक्सेप्ट ऑफ फ्रूट जैसे कि एवोकेडोज और ऑलिव्स हैं, उनमें 16-14% जो है वो फैट प्रेजेंट होती है. ये रोल प्ले करती है ग्रोथ में प्लांट की. नेक्स्ट इज विटामिन. विटामिन जो हैं फ्रूट और वेजिटेबल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कैरोटीन है एज अ विटामिन ए प्रिकर्सर एंड विटामिन सी. बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है, ये भी विटामिन ए का प्रिकर्सर है, और ये डार्क ऑरेंज फ्रूट्स और वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है एज एन अंडरलाइंग पिगमेंट इन ग्रीन वेजिटेबल. इसके अलावा विटामिन B1 थायामिन प्रेजेंट होता है. फ्रूट सप्लाई मोर देन 90% ऑफ वाटर सोलबल विटामिन, उसमें सी आता है, और फैट सोलबल विटामिन में विटामिन ए आता है. वाटर सोलबल माइनमेंट जो है वो हम लूज हो जाता है ड्यूरिंग सोकिंग. अगर हम वेजिटेबल या फ्रूट को सोक करके रखते हैं तो जो वाटर सोलबल विटामिन हैं वो जो हैं वो सोक के दौरान जो हैं वो लॉस हो जाते हैं लीचिंग के प्रोसेस में, और हीटिंग के दौरान भी जो है इनकी हाइड्रोलाइजेशन हो जाती है और इनकी जो लिंकेजेस है वो ब्रेक हो जाती है और ये लॉस हो जाते हैं. न्यूट्रिटिव क्वालिटी जो है डिटोरियोरेट होती है एंजाइमेटिक एक्शन में. स्पेसिफिकली एंजाइम एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंड थायमिनेज जो है वो विटामिन सी और B1 की न्यूट्रिशनल चेंजेस कॉज करता है ड्यूरिंग स्टोरेज. तो जब भी हमने किसी भी फ्रूट वेजिटेबल को स्टोरेज के लिए रखना हो तो उसके लिए पहले इसलिए ब्लांच किया जाता है ताकि जो थायमिनेज और जो स्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज है उसकी एक्टिविटी को डीएक्टिवेट किया जाए, उसको हार्ड किया जाए, और फिर उसको फ्रीज कर दिया जाता है फॉर स्टोरेज पर्पसेस. अदरवाइज जो दोनों एंजाइम जो हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो लॉस कर देते हैं. नेक्स्ट इज मिनरल्स. फ्रूट एंड वेजिटेबल स्पेशली द लेटर कंट्रीब्यूट मिनरल्स टू द डाइट, नोटेबली कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन. तो जो USDA सजेस्ट करता है आपको ईच डे या ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेजिटेबल अपने कंपेयर टू फ्रूट जो है कंज्यूम करनी है, वो इसी वजह से क्योंकि इनमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. कैल्शियम आयन जो है वो ऐड भी किए जाते हैं वेजिटेबल में ताकि उसकी फर्मनेस को इंक्रीज किया जा सके और सॉफ्टनेस को जो है पैक्टिन सब्सटेंस से डिक्रीज किया जा सके. ऑक्सैलिक एसिड जो स्पिनिच में होता है या फाइटेट्स प्रेजेंट होते हैं पीज में, वो बाइंड कर लेते हैं कैल्शियम को और उसकी अवेलेबिलिटी को जो है वो डिक्रीज करते हैं. इसलिए कैल्शियम इज नॉट एडेड टू दीज वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज फाउंड इन बिटवीन प्लांट सेल वॉल. सम ऑफ द फंक्शन इन प्लांट आर टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड टू प्रमोट केमिकल रिएक्शन एंड टू प्रोवाइड विद अ क्रिस्प टेक्सचर if cell membrane are intact. Water constitute a small percentage, 10% of seed, and is substantially large percent of leaf. It make up to 80-90% of a plant, at least in inheritance by the drastic size reduction of a mayor of vegetable that is subject to dehydration. इसका मतलब है कि 80-90% प्लांट में जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, और इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, अगर डिहाइड्रेशन हुई है तो उसका साइज रिड्यूस हो जाता है प्लांट का. नेक्स्ट इज फाइटोकेमिकल.
फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए। इनके ऊपर बहुत सी रिसर्चेस की जा रही है कि इनमें एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हेल्पफुल होता है कैंसर, डायबिटीज एंड अदर क्रोनिक डिजीज की प्रिवेंशन में। ये नॉन न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं और ये केमिकल जो है वो फोकस करते हैं इनमें जो बीटा कैरोटीन है, जो कैरोटीनाइड पिगमेंट से आता है, फ्लेवोनाइड ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, सल्फर कंटेनिंग अलाइल सल्फाइड है, सल्फोराफेन है। इसके अलावा डाई थायोलाइथेन्स इनोल्स एंड आइसोथायोनिन और क्रूसीफेरस क्रूसीफेरस वेजिटेबल कॉलीफ्लावर कैबेज वगैरह। ठीक है, अब आपकी जो एग्जाम आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि ये जो सारे फाइटोकेमिकल्स रोल लिखे हुए हैं फाइटोकेमिकल्स, इनका रोल किस किस डिजीज की प्रिवेंशन में। अगर पिगमेंट्स इफेक्ट ऑफ एडिशनल सब्सटेंसेस जो पिगमेंट हैं वो एस्थेटिक वैल्यू जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की इन्हेंस करते हैं और इसके अलावा वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स को फॉर फॉस्टर पॉलिनेशन। ये सब टेक्टिव चेंज होती है वेजिटेबल और फ्रूट की। जो फोर पिगमेंट इंपॉर्टेंट है उसमें क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, बहुत एंथोसाइनिन रेड एंड ब्लू और पर्पल और एंथोसाइनिन वाइट पिगमेंट। ये जो हैं ये पिगमेंट जो हैं वो इन्हेंस करते हैं क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अक्सर वेजिटेबल जो हैं वो फ्रूट जो हैं वो पिक ही उनके कलर की बेस पे किए जाते हैं, तो अगर उनका कलर ही डल होगा या लाइट होगा कंपेयर टू जो ओरिजिनल कलर ये फाइटोकेमिकल्स देते हैं तो उसकी वजह से फिर वो अगर क्लोरोफिल ऑब्वियसली अगर आप बात करें स्पिनिच में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उसका क्लोरोफिल ग्रीन कलर इस क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। अगर वो येलो कलर की होगी तो ऑब्वियसली कोई भी उसको नहीं खरीदेगा कि वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल की हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ पार्ट दैट कैन बी ईट एज अ फूड। सबसे पहले रूट, वो फूड वेजिटेबल जो हम एज अ रूट जिनकी जो है वो यूज़ की जाती है फॉर मेकिंग फूड, जैसे कि अंडरग्राउंड बीट है, कैरेट है, रेडिश है, ये टर्निप है, यम है, यम जो होता है वो स्वीट पोटैटो होता है। ठीक है, तो ये जो है इनको हम एज अ रूट सोर्स ऑफ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूबर्स, ट्यूबर्स जो बल्ब लाइक शेप ट्यूबर्स जिनकी जड़ें निकली होती हैं ऊपर को, ठीक है, तो उनमें हमारे पास स्टेम आता है मैन्युफैक्चर करने से, पोटैटोज हैं, आर्टिचॉक है और बल्ब्स जैसे कि अनियन, गार्लिक, लीक, स्प्रिंग अनियन, ये एज अ सोर्स ऑफ बल्ब्स यूज़ की जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेम, स्टेम हम यूज़ करते हैं सिलरी में, एस्पेरागस में, या जो आप सलाद सैलड लीव यूज करते हैं वो भी स्टेम्स में आते हैं। नेक्स्ट इज लीव्स, लीव्स में हमारे पास लेटस, पार्सले, स्पिनिच, ब्रसल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, केल, मस्टर्ड ग्रीन, मस्टर्ड ग्रीन मतलब स्पिनिच को भी कहते हैं, उसकी फैमिली में से आता है। नेक्स्ट इज फ्लावर, फ्लावर हम यूज़ करते हैं ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट जो फ्रूट्स वेजिटेबल के ईट किए जाते हैं उनमें हमारे पास एप्पल, बनाना, बेरी, ऑरेंज, एवोकाडोस, क्यूकम्बर, एग प्लांट, ओकरा, ये सब चीज़ें आती हैं फ्रूट्स में। और जिन वेजिटेबल के एज अ सीड यूज़ किया जाता है उनमें हमारे पास पीस, पीनट्स, बीन्स, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग और प्रो पोस्ट हार्वेस्टिंग चेंजेस की, तो जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो अंडरगो जाते हैं रेस्पायरेशन के। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं जो क्लाइमेट्रिक होते हैं, क्लाइमेट्रिक वो होते हैं जो कि हार्वेस्ट हो गए हैं उसके बाद भी जो है वो राइपनिंग हो रही है उनकी, और वो राइपनिंग किसकी वजह से हो रही है, इथाइलीन की वजह से, कि उनमें से इथाइलीन जो है वो रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट एंड वेजिटेबल वो होते हैं जो कि हार्वेस्ट हो गए हैं अगर एक दफ़ा तो फिर वो राइप नहीं होंगे। उनमें हमारे पास आते हैं चेरी, सिट्रस फ्रूट, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, तो फिर वो राई रहते हैं क्योंकि उनमें इथाइलीन कंटेंट नहीं प्रेजेंट होता। नेक्स्ट अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें, कुकिंग इफेक्ट क्या होता है न्यूट्रिटिव वैल्यू पे बहुत से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे, तो जो डिपेंड करता है ये टाइम ऑफ कुकिंग, मीडियम पे और ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग पे। अगर हम वाटर सोलबल विटामिन और शुगर को ऑक्सीडाइज कराएंगे या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो हीटिंग से, जो मिनरल्स वगैरह वो जो है वो लॉस नहीं होते हीटिंग के दौरान, ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी ट्रिमिंग ज़्यादा कर रहे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल की और उनको लीच सोक कर रहे हैं तो वो लीचिंग के थ्रू जो है वो
क्या लॉस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल बेनिफिट कुकिंग जो है, अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए कुक कर रहे हैं तो मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर स्टीमिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हम ऑपोजिट बात करते हैं, लेंथ कुकिंग करते हैं विद प्लेंटीफुल वाटर, तो जो जैसे कि कुछ अनियंस को बॉयल करना है या बेल पेपर्स हैं उनको बॉयल करना है और उनको हम लिड प्लेस करके करते हैं, तो इसमें से ज़्यादा जो लॉस होता है एसिडिक फ्लेवर का और न्यूट्रिएंट का, ठीक है। तो कुकिंग विद लिड ऑन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग इज डेट्रीमेंटल टू ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट, तो उसका जो क्लोरो कलर है वो लॉस हो सकता है, ठीक है, और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ फ्रूट जूसेस एंड जूस ड्रिंक है, जूसेस जो है वो 100% फ्रूट पे होते हैं, वेल जूस ड्रिंक जो है उनमें सिर्फ 10% और मोर ऑफ रियल जूस होता है। ये मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी क्वांटिटी रखता है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है। वैरायटी ऑफ फ्रूट के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। डेटा जो कहता है डिफरेंट स्टडीज में, वो FDA जो है वो कमर्शियल जूसेस को कहता है कि उन्हें पास्चराइज किया जाए ताकि हम कंट्रोल कर सके माइक्रोबियल ग्रोथ को, और उनको ट्रीटमेंट किया जाए विद UV रेडिएशन से ताकि पैथोजन और डेट्रोमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा USDA जो है वो एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाता है जूसेस, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हर होलसेलर कमर्शियल जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अपने अकॉर्डिंग बना सकता है, अपने लेबल पे मेंशन नहीं होता समटाइम्स ये, ठीक है। लेकिन जो USDA ग्रेड है वो है ABC, जो ए हाईएस्ट रैंकिंग है उसमें वो बेस्ट होता है अपीयर और टेक्सचर में, और सिमिलरली जो सी है वो लोएस्ट ग्रेड होगा कि वो अपीयरेंस और टेक्सचर में अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो लेबलिंग की जाती है वो भी मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी मर्जी से लेबल करता है और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो प्लेस करता है। ये मैंने कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो हाईलाइट की हैं, आपको यही कर लें, इनफ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो मोस्टली कंज्यूम करते हैं फ्रूट वेजिटेबल उसकी आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर जो न्यूट्रिटिव लॉस है वो क्यों हो सकते हैं, कि एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी या थायामिन जो है वो वाटर में डिफ्यूज और ऑक्सीडाइज हो, मिनरल साल्ट जो है वो सॉकिंग में ब्लीचिंग के थ्रू लॉस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सेसिव पील रिमूव कर रहे हैं तो भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव चॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चॉप करते हैं उतनी ज़्यादा जो लिंकेजेस हैं विटामिन की स्पेशली वो ब्रेक होती हैं, तो उनका लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर हम हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं और लॉन्ग कुकिंग टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो स्टोरेज में अगर हम लीफी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को स्टोर कर रहे हैं कवर इन द रेफ्रिजरेटर और ट्यूबर स्टोर इन अ डार्क कूल प्लेस फॉर क्वालिटी, बेसिकली जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उनको स्टोर करने का आइडियल वे ब्लांचिंग ही है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट ब्लांचिंग करते हैं अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो आप उनकी स्टोरेज जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्टी कंसर्न जो है वो FDA जो है वो इनक्रेज करता है कि अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल लें तो फिर आपको उसकी सेफ्टी कंसर्न को भी देखना चाहिए, जो पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें इन्फेक्शियस और टॉक्सिकजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। क्योंकि एनिमल बेस्ड फूड जो है, प्लांट बेस्ड जो है प्रोडक्ट, उनमें भी जो है वो डिजीज कैरिंग पैथोजेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। Pathogenic microorganisms are found in the environment and can contaminate food causing illness. Of serious concern are Salmonella, E. coli, Campylobacter, Listeria, Staphylococcus aureus, Shigella, Clostridium botulinum, Bacillus cereus and Hepatitis A. ये फ्यू नेम्स हैं जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से कंटेमिनेट होके ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। जो सॉल्मोनेला बैक्टीरिया है वो कैंटोलोप, वाटरमेलन, कैंटोलोप होता है जो आपने देखा है मेलन जिसमें ग्रीन लाइन होती हैं उसको कैंटोलोप कहते हैं, वाटरमेलन, टमाटोज, लिस्टेरिया ऑन कैबेज, कैम्पाइलोबैक्टर ऑन मशरूम्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, फूड बोर्न इलनेस कोज करती हैं। Regardless of its source, it is recommended that ready-to-eat, value-added fresh produce
be washed prior to consumption and then refrigerate in order to maintain the safety. Washing is recommended despite the label statement that the product is washed and ready to eat. To cross contamination, foods key such as meat should be avoided. Cool date should be adhered to, and assembly preparation area should be sanitary. Of course, personal hygiene is crucial to safety. और अगर आप इन्हें store भी कर रहे हैं किसी refrigerator में, तो आपको refrigerate के standards पता होने चाहिए कि meat वाला portion कहाँ जाएगा, और raw का कहाँ जाएगा, और cooked का कहाँ जाएगा, और जो processed है वो कहाँ जाएगा. Various antimicrobials are used in industry to improve the safety of foods and vegetables. This is especially true in growing market for minimally processed foods and vegetables. Chlorine जो है उसको use किया जाता है for limiting growth of some bacteria जैसे कि Listeria monocytogenes, और hydrogen peroxide को as a disinfection use किया जाता है. Chlorine dioxide and hydrogen peroxide and ozone जो है वो may be useful for reducing microbial load on some foods and vegetables. The last two leaving on residue following treatment. लेकिन अगर हम ये सब भी यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स, तो उसके लिए भी हमें फिर कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से पहले उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज फिर हम इनके जो रेजिड्यूज हैं वो कंज्यूम कर रहे होंगे. पर ऑक्सी एसिटिक एसिड जो है वो भी यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ.